हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। और दादी अभी ना रजत की मालिश भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके कानों में थोड़ी थोड़ी बातें भी डाल रहे हैं। अभी बोलते हैं तेरी बीवी बहुत जालू है। क्यों जी? इसने भाने को से मेरे को बुलाया, दादी डराओ धूप में। मैं अगली बार क्या बोले, दादी देखो तो सही में तेल डाल दी। तो शौक तो आप ही को हो रहा था। मेरी और मेरी बीवी की साजिश थी कि जाने से पहले एक और बारी मालिश हो जाए। खुल गई तेल लगवाने का। मैं तो लगाऊंगी, मेरा तो करना पड़ेगा भाई। बीवी का फर्ज होता है पति की सेवा। सुनो सुनो भारत नारी बोलते है ना। हाँ जी, पति की सेवा बड़ी भारी। अच्छा, करनी चाहिए है? करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल करूँ। फिर मैं करूँ, आप हट जाओ, मैं करती हूँ। अब तो हो गया भाई। सारे दिन भर ऐसा तो होता नहीं है। अब 10 मिनट हो गए, अब हो जाएगी। मैं अपनी सास की करूंगी। आप रहने दो, अपनी सास को मरोड़ अच्छी तरह से। ये मेरे तेल कंघी भी करती है, मालिश भी करती है। और एक दिन दर्द थी मेरे यहाँ, कंघी इतनी अच्छी मालिश करी थी। ठीक है, करनी चाहिए, करनी चाहिए बेटा। ऐसा ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ऐसा है कि अपना कर्म सही करो, भगवान खुद सब कुछ देता है। हाँ, देख रहा है ये कि क्या क्या हो। दादी रजत तो सो ही गया, आंखें बंद कर दी। बहुत ही मजेदार। हम चाह रहे थे कि दादी एक आध दिन और रुक जाए हमारे पास, पर आज तो दादी को ऐसा हो गया कि मैं रुकूंगी नहीं, मुझे वापस जाना ही जाना। तो मैंने दादी को कहा थोड़ी देर मुझे नहाने दो, उसके बाद फ्रेश होकर मैं चलती हूँ आपके साथ। तो जैसी मैं नहाई, मेरी नजर पड़ी अपने इस पार्सल में, जिसमें जो कि मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट है। मेरे गिफ्ट खत्म ही नहीं हो रहे। और ये मेरे को गिफ्ट पता किसने किया है? माय डियर हस्बैंड ने। सो मुझे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत टाइम से ऐसे एक्साइटमेंट थी कि यू नो मुझे एक हेयर स्टाइलिंग किट चाहिए, क्योंकि मेरे बाल हमेशा ऐसे ही रहते थे। तो अभी मैं इसको फटाफट से खोलूंगी और रेडी होंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही हूँ। मजा आया दादी? आपने पहली बार सुना ना? मैंने सुना ना, देखा बेटा कभी नहीं है। आपने अच्छा लगा फोन में? तो और के बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं आपको भेज दूंगा फोन में, आप देखते रहना। हाँ, जब फोन में डाल देना। नैना हो गए रेडी? लो, हो गई। कोई कमी नजर आ रही है? नो, अपने गिफ्ट से अपने बाल बनाए हैं ना अभी? चलो, और इनकी बाहर बातें सुन, इनकी बातें ही खत्म नहीं हो रही। देख, इनको एक दो दिन और लग जाएगा। इनको लग जाएगा अभी टाइम, हुई नहीं बातें खत्म। चली कितनी देर से कांस्टेंट, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें लगी इनकी। पुरानी बातें चली। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। कभी माताजी सुना रही मुझे, कभी मैं सुना रही हूँ अपनी बातें। और यहाँ धूप में बैठ के ना कितना अच्छा लग रहा है हमारे को। वाई गुड, मैं सोचती हूँ कि तुमने कितना अच्छा किया ये घर लेके। इतनी बढ़िया जगह ना ये, कि कुछ बोल। ये तो हमें भी विश्वास नहीं होता कैसे मिल गई ये जगह। ना बाहर बैठते, तुम क्या कर रही हो? दादी की अभी फरमाइश है कि उनको शेक पीने का मन हो रहा है। मैं तो कह रही थी अंदर आ जाओ। हाँ, इतनी देर से धूप में बैठे, सुबह से बैठे, कम से कम उनको 2-3 घंटे हो गए। तो दादी कह रहे हैं कि नहीं नहीं धूप बहुत अच्छी है, मम्मी कह रहे हैं व्यू बहुत अच्छा है। मुझे लगा बात तो सही कह रहे। वैसे मैं कभी सोचा नहीं था कि कभी हमारा भी अपना घर होगा और ऐसे बैठे। सही बात यार, वो टाइम इतना मुश्किल था ना। मतलब हम शायद आपसे काफी बार डिस्कस कर चुके हैं ना, जब हमारी शादी का टाइम था, हम ना अपने लिए घर ढूंढते थे रेंट का, और मतलब रेंट का घर ढूंढते ढूंढते हम इतना परेशान हो गए थे, ऊपर से शादी की टेंशन। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास अपना घर होगा, और हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। याद है तो उस टाइम पे मम्मी ने हमको सजेस्ट किया था कि क्यों ना तुम एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से बात करो। और फिर हमने एस्ट्रो टॉक पे एस्ट्रोलॉजर संगीता जी से बात करी, जिन्होंने हमको इतनी अच्छी गाइडेंस दी। और फिर हमसे संगीता जी ने हमारी डेट ऑफ बर्थ पूछी, हमारा बर्थ टाइम पूछा, और ये सब पूछने के बाद उन्होंने हमसे क्या कहा, कहते आपको क्या घर लेने में समस्या आ रही है? और फिर हम एकदम से शॉक हो गए कि ये क्या बोल रहे। एग्जैक्टली, और फिर पे हम दोनों का विश्वास बैठ गया कि अब तो बस यहीं से हमने नहीं, बट एक और चीज हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप घर रेंट का ढूंढ रहे हो, लेकिन आप घर खरीदने वाले हो। हमको लगा ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था। और जैसे ही थोड़े टाइम बाद हमने घर खरीदा, फिर तो हमको इतना विश्वास हो गया कि जो भी हम अब नया काम करते हैं या कुछ भी समस्या होती है लाइफ में, उनसे गाइडेंस तो हम संगीता जी से जरूर गाइडेंस लेते हैं। देखो लाइफ में ना सबकी कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज परेशानी चली रहती है। हमारी लाइफ में हमारे घर को लेके थी, कुछ लोगों की लाइफ में पैसों को लेके होती है, करियर को लेके होती है, उनके बिजनेस को लेके होती है, यहाँ तक
था कि कुछ लोगों की लाइफ में तो शादी को लेके भी दिक्कत होती है, तो मेरी मानो तो एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो, आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रो टॉक का लिंक दे दिया है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हो और आपकी पहली चैट एकदम फ्री होगी। चलो तो मैं शेक बना रही बैठे हो गए। मैं इतना डरती ना जब मिक्सी चलती क्योंकि मेरे साथ बहुत बारी ऐसे हुआ है, स्प्लैश और पूरी किचन गंदी। ये लीजिए क्या बातें कर सकती है, आपके गले सूख गए होंगे। बड़ी सेवा हो रही है हमारी, तो हमारा तो मजे लगे। अबे ठंडा है बेटा मेरे, शेक दादी गरम कौन पीता है, नहीं पीना। दादी को लस्सी पीनी है वो भी कैसे पीनी है, थोड़ी गरम करके दे। अभी बोलते शेक पीना है, बहुत गरम पानी पिलाती हूं लस्सी में, थोड़ी देर हम इसको धूप में रखते हैं। अरे इतना बहुत है, तीन दिन पहले का वॉलेट अब याद आ रहा है मम्मी को। मम्मी अब याद आया आपको, तीन दिन से पता है इसके पर्स में पड़ा है। ये बोल भी रही थी कि मम्मी जब पूछेंगे ना तब बताऊंगी, इनको याद ही नहीं है। मेरी तो मौज लगी पड़ी है, मम्मी ने मेरे पास दिया था पर्स एक बजे। चलो दादी जाना है या यही रहना है? ओ दादी जाना है या यही रहना है? अब ऑलमोस्ट दिन भी ढल चुका है और हम दादी को वापस छोड़ रहे हैं। हमारा तो मन बिल्कुल नहीं था दादी को छोड़ने का, बट दादी को ये हो रहा है कि इतने दिनों हो गए अब मुझे अपने घर जाना है। ठीक है ठीक है, ले जाती हूँ। सुबह से हम यही कह रहे हैं दादी को, बस अब चल रहे अब चल रहे अब चल रहे, तो अभी तो दादी बिल्कुल ऐसे हो गई, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। 5 बज गए और हमको अभी मॉल भी जाना है, हमको और भी सामान लेना है। रजत ने तो दादी को ये प्रलोभन भी दिया कि दादी मॉल जाएंगे चौमिन खाएंगे, पर दादी नहीं आई इस बारी हमारे उसमें। चलो चलो बैठो बैठो बैठो। चलो गाइज ओके बैठिए, चलना है मॉल, अभी भी मौका है चौमिन। तब जब ऊपर आएंगे, ऊपर कहाँ पता करना मेरे को, उस जो मैं बोल रही हूँ ना दादी के कुछ सीक्रेट काम है वो करवाने दादी में। ठीक है ठीक है, मैं पता करूँ, पता करके लेके आना कैसे कैसे कितने कितने क्या। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम घर से तो निकल गए हैं, काफी दिन से मैं ये चाह रही थी कि कुछ काम है बाहर जाके। आपको याद होगा मैंने पहले भी कहा था कि हैंगर्स खरीदने हैं, फिर मम्मी को ये था कि अपनी घड़ी का फीता छोटा करवाना है और रजत को अपने फोन पे टेम्पर्ड लगाना, मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम थे। तो हमने सोचा आज बाजार चले ही जाते हैं, और दादी को भी ऑफर दी थी कि हमारे साथ बाजार चल पड़ो, पर दादी को जाना ही नहीं है, दादी को घर जाना चल रही है। घर जाने की हुई है, और दादी हमें वो दे रहे हैं शिक्षा की, ऐसे रहना होता है ऐसा करना होता है। चलो ठीक है, अब आप हमारी YouTube फैमिली के लिए क्या बोलोगे, कुछ आशीर्वाद तो दो इनको। धन्यवाद, हाँ जी, भगवान राजी खुशी रखे, पूरी लंबी उम्र दे, अच्छी जिंदगी दे, अच्छा कर्म करो, अच्छा धर्म करो, सच्चा काम करो, बाकी कुछ भी नहीं है जिंदगी में। मेरे को ये महसूस ही नहीं हुआ कि भाई मैं हूँ का, मैं लग रहा है कि मैं बहुत अपने इसमें हूँ। तो पोती के पास आपको महसूस होना था। दादी आपको एक बात पता चली क्या, कि आपको हमने पूरे रास्ते गप्पों में ही रखा और अब हम घर भी पहुंच गए, बस एक मोड़ आगे घर है, आपकी तबीयत भी खराब नहीं हुई। दादी की छोटे से जर्नी में भी तबीयत खराब हो जाती है। बाय, ठीक है दादी, पक्का लेके आना। हाँ हाँ पक्का, खुद खुद आना है ना। ठीक है दादी, ठीक है, बाय बाय, ओके जी। चलो जी दादी की विदाई, आओ हाथ दो, पर्स का इनका वो जो हाथ में था दो। बाय कर रहा था जब आपको अगले ओके अगले ओके आने का कर है ना, आराम से जा रहा है। हां आराम से, चलो ठीक है फिर, ओके यहाँ तक छोड़ती हूँ, थोड़ा आगे तक चलो। तबीयत खराब हुई बिल्कुल, देखा जब नहीं हुआ। आज तो दादी को घर आने की खुशी थी। नहीं, खुशी मेरी खुशी है सब जगह में बेटा, तुम्हारे साथ जहाँ भी है वहाँ खुशी खुशी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब घर जाके रेस्ट करना, ठीक है? हाँ, अब रेस्ट भी बाकी क्या है मेरा। हे राम, मुझे लगा कि तुम्हें पार्किंग नहीं मिली होगी, इतनी दौड़ दौड़ के गई ना मैं नीचे। चलो चलते हैं, बस अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक है और शाम भी होने ही आई है। कई बार यार पता ही नहीं चलता क्या बोलूं मैं, पर फिर ये भी होता है कि आप लोगों को बताना भी जरूरी है, इसलिए कुछ भी बोल देती हूँ फिर मैं सोचती हूँ कि मैंने क्या बोला। पैदल चले, हाँ। पैदल चलते हैं यहाँ से, कितना सुंदर दिखता है ना शिमला यार, अपना शिमला। मुझे
फ्लैशेस आ जाते हैं एकदम से बचपन के सारे, कितना टाइम हमने यहाँ गुजारा, हमने एक्चुअली मैंने चलो पर मैं भी बहुत आता था शिमला जब कॉलेज में होते थे, स्कूल में होते थे। शिमला तो यार हिमाचल वालों को बहुत ही पसंद है। मेरे स्कूल से ना हम पैदल आ जाते थे एंड सैटरडे मॉर्निंग वाज अ थिंग बैक देन, सो बड़ा मजा आता था कि सब बच्चे आएंगे इतने टशन मारेंगे एक दूसरे को। अभी हम लिफ्ट से लेकर मॉल तक पैदल आए तो मम्मी मुझे बता रहे थे ऐसे रास्ते में ना हमको मांगने वाले मिले तो मम्मी फटाफट से उनको पैसे निकाल के देने लग गए। तो मम्मी कहते बेटा तुमको पता जब मैं सोलन रहती थी ना तो मैं कभी ऑटो से नहीं जाती थी और जो उसके पैसे बचते थे मैं हमेशा उनको ही देती थी। मम्मी का शुरू से यही हिसाब किताब। नहीं तुम पहुंची गई, मम्मी ने बोला मम्मी को खाने, मम्मी नहीं खाते हैं। थैंक यू लो, थैंक यू लो, मिक्स। हां मुझे लगा सिर्फ स्ट्रॉबेरी एक साइड से दिख रही थी। नहीं नहीं मिक्स है लो, मैं भी शेयर करूंगा। नहीं तुम तो मना करने वाले। अच्छा कोई नहीं मैं मम्मी से कर लूंगा। दादी का फोन आ रहा है। हेलो, हम तो माल रोड घूम रहे हैं और क्या आपको तो ऑप्शन दी थी घूमने की तब तो आपने मना कर दिया। हमको हमारे सब्सक्राइबर्स मिले जैसे हम शॉप से बाहर आए एकदम से, यकीन भी नहीं हो रहा क्या। हमको ना आज बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, तो इतने टाइम बाद भी आ रहे थे और बहुत सारे लोग मिले आज और ऊपर से मैं पजामा पहन के आ गई थी तो मुझे अब ऐसा रियलाइज हुआ है कि अब जब भी मॉल आना है तो अच्छे से तैयार होकर आना है। और फिलहाल हमें भूख लगी थी तो हमने सोचा कि आज डोमिनोज चलते हैं क्योंकि मुझे और मम्मी दोनों को बहुत पसंद है पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा पार्टी करेंगे अभी। और मैं अभी ब्लॉग शूट कर ही रही थी तो पीछे भी हमारे एक सब्सक्राइबर है। पूरा मतलब आज जैसे टूरिस्ट वाला फील ले रहे हैं बंदे हैं। गर्मा गर्म गुलाब जामुन और शिमला की ठंडी ठंडी हवा, चलो मजा आया ना। टाइम पता कितना हो गया है, पूरे 10 बज चुके हैं, पूरे 10। आज हमने फुल रिलैक्स किया, गेड़िया हमारी, मजे किए। आपको मजा आया? बहुत। मम्मी ने आज सारी इच्छाएं पूरी करी है। मम्मी का मन नहीं मान रहा है। नैना सुन, मिलगी खुशी? चलो शिमला में भी अब मिनी सो खुल गया तो हम ओवर एक्साइटमेंट में चले गए वहाँ पे देख के आए सामान और पता नहीं कुछ कुछ उठा के ले आए, ये ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए था कुछ, और अब हमको लग रहा है ये यूजलेस ही, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना सा ऐसे ऐसे होता है। आई गेस इसके लिए पहले स्टीम लेनी पड़ेगी उसके बाद करेंगे। एंड दूसरी शॉपिंग मेरी प्यारा सा हेयर बैंड है, मुझे आजकल ना पिंक कलर का तो कुछ ज्यादा ही शौक हुआ इसलिए पिंक की हुडी भी पहनी थी और पिंक हेयर बैंड भी ले लिया। और तुमको बहुत नींद आ रही है इसलिए अब सो जाते हैं और कल सुबह मिलते हैं, बाय बाय। गुड मॉर्निंग यार, सुबह से ना मम्मी और रजत की बातें चली है सिर्फ दादी को लेके, दादी होते थे तो हम सुबह ऐसा करते थे वैसा करते थे, मुझसे ज्यादा तो अभी इनकी दादी हो चुकी है, मुझसे ज्यादा ये लोग मिस कर रहे हैं दादी को। बट अभी हम तैयार हो रहे हैं क्योंकि हम भी अपने गांव निकल रहे हैं इसलिए हमको कल दादी को बाय बाय करना पड़ा। वैसे तो हम ये चाह रहे थे कि दादी आज तक रुकते उसके बाद जाते, बट दादी को ये था कि वहां पे भी सब इंतजार कर रहे हैं इसलिए चली जाती हूँ, तो हमने दादी को भेज दिया कल और आज खुद जा रहे हैं। और वैसे भी आपको पता ही है मेरे ससुर जी कब के गाँव गए हुए, तो हमको यही था कि अब हम भी टाइम रहते चले जाते हैं। और पापा इतने ज्यादा एक्साइटेड है ना हमारे गांव आने के लिए कि सुबह सुबह ही मम्मी को पूछ लिया अच्छा कब जैसे आ रहे, खाना वगैरह सब बना के रखेंगे वो, मुझे ये तो पूरा पता है उनको क्योंकि खाना बनाने को बहुत ज्यादा शौक है। सो मैंने तो सामान पैक कर लिया है, रजत भी कर हो गया तुम्हारा भी, लो जी आज रजत भी रेडी है तो अब निकलते है। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, कुछ तो कह सकते हो। तो अभी हमने रास्ते में हॉल्ट लिया बिकॉज भूख लग गई है, लंच का टाइम हो गया था, हमने सोचा तो ये था कि घर पहुंच के आएंगे बट अभी भूख लग रही है और हम रास्ते में एक बहुत सुंदर जगह रुके हैं, मेरे नानका के पास है ये। और जब भी ये पीछे क्रॉस करते ना मम्मी कहानियां सुनाती है, बेटा मेरी बचपन की यादें हैं यार, हमने सोचा यहाँ रुक के खाना भी खा लेते और मंदिर भी हो जाते। मेरे मामू की शादी भी यहीं पर हुई थी, बहुत ही सुंदर सा मंदिर है वो सामने देखो। चले मम्मी? हाँ वही बता रहे हम। चलो अब कैसा रास्ता था, मम्मी बोल रही है कितना सुंदर है, पत्थर भी देखो कितने अच्छे हैं। मैंने कहा आपको तो यहाँ की एक एक चीज अच्छी लगेगी। मेरे को मंदिर बहुत प्यारा लगता तब से है। और यहाँ जो स्वामी की शादी थी ना, एग्जैक्टली जो होटल है मम्मी बता रहे थे कि यहाँ रिसेप्शन हुई थी, यहाँ ऐसा हुआ था। अब रजत तो मुझे लगता है मैं बहुत छोटा था उस टाइम, मुझे भी थोड़ी थोड़ी चीजें याद है। वो देखो सामने मंदिर। अभी हम दर्शन करके मंदिर से तो वापस आ गए, धूप इतनी अच्छी ना बहुत मजा आ रहा है, इसे लग रहा है समझ वापस आ रहे हैं। मैं और रजत ने तो आज एक एक ही ऐसा टी शर्ट टाइप्स पहने हैं, स्वेट शर्ट्स, बट मम्मी ने ना 3 लेयर्स पहने और मम्मी को गर्मी लगे जा रही है, साफ सुथरे हो गए, अगर टीका भी फैल गया है। सैलेड इज मस्ट।
बोलते खीरे नहीं है भैया, सामान्य भैया जो कुछ भी आपके पास गाजर है कहते हैं लोकल है, तो गाजर दे दो, टमाटर दे दो, वही सैटरडे मार्केट। खाना हम खा चुके हैं, अब निकलते हैं। और क्या मस्त खाना मिला है हमको यार हाईवे पे ना, ऐसे गांव के आसपास ना ऐसे ढाबे वगैरह में बहुत ही बढ़िया खाना मिलता है। ऐसे जहां आपने एक्सपेक्ट ना किया हो ना, ऐसी जगहों पे जब आपको अच्छा खाना मिलता तो मन एकदम खुश हो जाता है। तो अभी खुशी खुशी निकलते हैं। थैंक यू, बाय बाय भैया, बहुत बेस्ट खाना था, मजा, बहुत बढ़िया। कहाँ चली गई मम्मी? तू गई कहाँ थी? मुझे पूरा विश्वास है, पतली हूँ ना। चलो जी, ये एक्चुअली सार्केज़म था, बिकॉज़ हमको पता है कि हम लोग जब कनाडा से आए हैं, जब से खाने थोड़ा से नहीं रुक रहे, नहीं मतलब हमने कनाडा में ही थोड़ा खान पान का अपना कर दिया हिसाब खराब, क्योंकि हम ना वहाँ बाहर जाते थे और खाते रहते थे, रोजी वगैरह भी हमें बढ़िया बढ़िया घर पे भी खिलाते थे चीजें और बाहर से भी। तो इस वजह से अब हम यहाँ वापस से आएंगे फॉर्म में और वापस अपने को शेप में लाएंगे और आपसे जरूर शेयर करेंगे अपनी जर्नी वापस। चलो जी, अब मम्मी भी मिलके आ गए जिनको इन्होंने मिलने जाना था, और अब हम नॉन स्टॉप घर के लिए जाएंगे, क्योंकि पापा ना सुबह से हमको फोन कर रहे थे कब पहुंचोगे कब पहुंचोगे, और हमने सोचा था लंच तक पहुंच जाएंगे, बट अब तो शाम होने आई है तो हमको बुरा सा भी लग रहा है कि पापा ठीक है, पापा भाग के क्यों गए शिमला से। हाँ ये तो है, हमने पापा को रोकने की बहुत कोशिश की और हमने कहा भी था कि पापा एक दो दिन में चल पड़ेंगे गाँव पर, पापा बिल्कुल नहीं माने, नहीं नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो गाँव जाना है। तो बट ये अर्किंग में एक जगह कुलचा बहुत अच्छा मिलता है, पापा को बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे भी, तो पापा और अपने लेके जाऊंगी, तुम दोनों एक तरफ हो जाते कर लेते हैं। पापा एक तरफ हो जाते खाने के लिए, पापा को ऐसे ही होता है ना, बिकॉज ऑफ उनके हेल्थ इश्यूज वो आधे से ज्यादा चीजें वैसे ही छोड़ देते हैं, बट उनको खाने का इतना ज्यादा शौक है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ी बहुत चीजें जो वो खा सकते हैं वो भी खाए, मैं भी खा लूंगी साथ में। दो कुलचे बढ़िया से, एक तीखा और एक बिना मिर्च, एक तीखा एक बिना मिर्च का। आप भी खाओगे? पापा से नहीं मांगना फिर? पक्की बात है? कुछ लोग रास्ते में घूम रहे हैं। हाय, नमस्ते जी, आप हम आपको लेने पैदल आ रहे थे? बैठिए, फ्रंट लगा इससे, कितना बढ़िया लग रहा है यार सब कुछ, इतनी अच्छी हवा चल रही है, गर्मी अभी शुरू हो गई है। कितने फूल गए हैं, फूल मुंगरे बटे लगे नहीं अभी, कितनी हवा से ना गिर गए, नहीं तो पता ही है, मुझे तो इतने बढ़िया लगता है ना, यहाँ पे भी दिख रहे हैं मुझे इतने सारे, खा के देख, मेरे को लास्ट टाइम तो खिलाया था, तोड़ दिया, बताऊं मम्मी को, मम्मी आते ही तोड़ दिया था जब, अरे तोड़ो मजे से तोड़, ये नहीं मुझसे डाली थोड़ी टेढ़ी होगी मम्मी, ये ठीक हो जाएगी? कितने स्वाद है, आगे आगे और लगे, रुक जा इससे मत निकाल, पहले आराम से निकाल दिया तो, लेकिन मुझे आता है, मुझे मत सिखाओ, अच्छा है ना, किसान की बेटी हूँ, और मैं तो पता नहीं फॉरेनर का हूँ। ये देखो पालक, पालक के भी उए, इतना हो गया ये, बस मम्मी ये सब खाना है, अच्छा ये नहीं, ये तो मूली थी, ये पालक अभी ये सर्दियों वाली वेजिटेबल्स लगाई थी, उससे पहले अलग लगाई थी, हर सीजन के हिसाब से लगाते रहते हैं मम्मी, बड़ा दिखा रहा जाती है मस्त एकदम। मम्मी एक सब्जी बना सकते हो आज रात? कितना अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पापा से आलू के साथ बनती है ना इसकी सब्जी, बहुत टेस्टी, मूंगरी की तो फिर खाएंगे ना, पालक निकालो आप, पालक पनीर खाएंगे आप, पनीर बहुत ही गजब बनाते हैं, लो लो मम्मी। क्या इतने दिनों बाद आया तो मेरा थंब इम्प्रेशन भूल गया। पापा इतने गंदे, इन्होंने इसमें पानी नहीं डाला। सबसे पहले मम्मी को तीन दिन से आए, इन्होंने पानी नहीं डाला, तो बीज थे मैंने लगाया वो ना। मैं तो एकदम से फ्रेश हो गई हूँ, और ससुर जी ने मेरे लिए चाय बनाई है, और साथ में वो तो आते ही कुलचा उन्होंने खा लिया, अब मेरा शेयर बचा है, मैंने भी खा लिया इसमें से, तभी आधा बचा, वही बोल रही हूँ मेरा शेयर बचा है, मैं तो कुलचे के साथ खाऊंगी, और ये देखो मम्मी को क्या ले, ये क्या है? अच्छा कौन सी ले जाना? अच्छा ये नान का से आई है, कितनी अच्छी फ्रेश लग रही है यार, मैं तो पहली बार ही मतलब वैसे देखी, पर हम नान का जब हम चलेंगे ना वहाँ होती है लगी है। हाँ ये वाले निकाल लेना मम्मी, जो हाँ बस जो बड़ा बड़ा है ना ऐसे, अच्छा हाँ उनको निकालो। इसकी सब्जी कैसे बनेगी? बस ऐसे ही इनको थोड़ा बीच मतलब दो पीस करो ना, काटो और आलू के, आज बनेगी आज बनाते इसको है, आलू है
आलू देख तो अंदर पता नहीं हो गए पीछे के बच्चे हुए, वैसे हम यूज ही नहीं करते ना तो हम रखते हाँ। नहीं। बट मैं ये पहली बार खाने वाली हूँ सब्जी, मैंने तो पहली बार ही। मुझे ऐसा लग रहा है तुम खाइए एक बार, तुमको खिलाइए, पता नहीं मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। जो ऊपर जो पेड़ है वो कौन सा है, कलियों वो तो अलग है ना, पर मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है मुंगरी भी तुमको खिलाए ना ना एक बार मम्मी ने बना के। जिसने खाया है मैंने नहीं खाया, ये भी मैंने नहीं खाया। हाँ और ये पिछली तो पता नहीं किसको खिला दिए होंगे मैंने। मम्मी और कौन कौन आता था यहाँ? इतना अच्छा लग रहा है, अभी कोई स्वेटर नहीं पहनी है मैंने, कोई वार्मर नहीं, हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है। वरना इतने दिनों से कनाडा में, इतने दिनों नहीं एक्चुअली इतने महीनों से कनाडा में, 3 महीने जब भी थे ठिठुरी रहे थे हम क्योंकि इतनी सर्दी होती थी तो। और यहाँ पहुँचते ही तो शिमला का हाल तो आप सभी को ही पता है, बट यहाँ पहुँच के मजा आ रहा है। बट ये मुझे, मैं बता रहा हूँ, मुझे ये जो ये अब फूल लगते हैं ना पौधों में, अभी कलियाँ भी लगेगी, यही लगती है ऊपर वो जहाँ हमने हाँ। निकाली थी लास्ट टाइम। ओहो हो क्या मजा आता है वो सब देख के, मुझे भी। अभी मैं और मम्मी सारे में घूम रहे हैं और पुराने घर के पास आए हैं और यहाँ पे अच्छा ओहो यहाँ पे वाह कितनी सुंदर है। तो अभी हम क्या निकालने आए मम्मी? अब हम छोलंग निकालेंगे। छोलंग जिस चीज का क्या बनाते हैं? छोलंग का बनाते हैं मुरब्बा, मुरब्बा टाइप। हाँ ये तो खा लिया किस चीज में। रुक जाओ मैं तोड़ती हूँ, रुको मैं तोड़ती हूँ मम्मी, तुम पकड़ना। वाह बहुत सारे हो गए अब तो, अरे बाप रे। रुक जो मैं पाले में डाल देती हूँ, ये लो। निशान ना लगे शर्ट में। नहीं नहीं लो जी कर दो डिपॉजिट आप। पोटली वाले बाबा आ गए, ये क्या लाई? तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है देखो। वाह छोलंग। हाँ खूब सारे लाए हैं लिफाफा भी ले गए। हाँ मैं इसमें डाल दो मम्मी, कोई टेंशन नहीं है। और उसमें ना एक चिड़िया ने खा लिया, बस खोखला ही बचा हुआ था अंदर से, है सारा खा लिया पूरा निकाल के। अरे बड़े स्वाद होते हैं, चिड़िया ने छिलका छोड़ दिया। चिखड़ी भी मेरी है, ये रस लाया था, ये भी मेरे को रस लाया था। हाँ। ये मेरे पिताजी की घड़ी है। कितनी सारी निकालो आज। अच्छा नहीं क्या दिखा रहे नैना को बिठा के? पापा बोलते हैं नैना बैठ तुझे अपनी संपत्ति दिखा। ठीक है एक घड़ी जो वहाँ गया था, पर ये मेरे को ये याद आया बहुत बचपन का, ये क्या है वो चांदी वाला ना? मेरे दादाजी हैमिल्टन कंपनी में काम करते थे, वहाँ अपना बना था। अच्छा ये हमने संभाल के रखा हुआ नैना, जब तुम्हारा बच्चा होगा कितने साल पुराना होगा पापा? पचास। अरे बाप रे। पापा भी बता रहे थे दादाजी ने दी थी। हाँ। और ये वाली ये दादाजी की घड़ी है। पापा को घड़ियों का बहुत शौक होता था। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ पता ही चल रहा है। अब जब कनाडा गया था ये तो जल्दी जल्दी आपको अपने साइज की करानी पड़ेगी, पहननी पड़ेगी। मैं कल ही सोच रहा हूँ कल जाऊँ इसके लिए तो चले जाएंगे, तो कभी नहीं जाते। तो अब क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी सफाई कर रहे, मैं तो मम्मी को बोल रही थी आप नहा लो थोड़ा चेंज कर लो, मम्मी की चाय हमने 2 बारी गर्म कर ली। मम्मी को पसंद नहीं आ रही पापा की गरीबी। मम्मी को सफाई प्रो मैक्स चाहिए होती है, इसलिए मम्मी ने पहले एक एक तिनका साफ किया। उसके बाद और आज पनीर बन रहा है क्या? तुम इसी तरह बातें करते रहोगे हमारा ब्लॉग खत्म नहीं होगा, ये बहुत लंबा जाएगा। सो इसीलिए हम अपना ब्लॉग यही एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके हमें बताना और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट उससे पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाय, टेक केयर। मम्मी सफाई के लिए तैयार है देखो। जैसी कर लो।